मैं सुभाष धीमान और आप देख रहे हैं जीत समाचार टीवी। हम आज मझेड़ा में पीएचसी मझेड़ा में आए हैं। यहाँ डॉक्टर गरिमा ब्यास से जानने की कोशिश करते हैं कि शनिवार को कोविड टेस्ट का कैंप लग रहा है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। अच्छा, नमस्कार मैम, अपना नाम बताना। नमस्कार जी, डॉक्टर गरिमा व्यास, मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज पीएचसी मझेड़ा। अच्छा मैम, ये जो अभी पंचायत इलेक्शन है, इसके लिए अभी विभाग ने भी गाइडलाइन जारी की है, जैसे अपने डीसी हैं अपने कांगड़ा के, उन्होंने कि ये जो इलेक्शन है इनमें जो भी कैंडिडेट होंगे उनको और उनके समर्थक जो भी हैं उनको कोविड टेस्ट करवाना अनिवार्य है। तो ये जो मझेड़ा में हो रहे हैं ये कब होंगे और कितने तक होंगे, ये मेरे को बताएंगे मैम कुछ? हमारा जो कैंप है वो मझेड़ा में 9 तारीख को है, 9 जनवरी को। तो जो आशा वर्कर्स हैं वो लिस्ट उन्होंने ऑलरेडी बनाना शुरू कर दी है। तो जो लोग भी अपना टेस्ट करवाना चाहते हैं, चाहे वो इलेक्शन में पार्ट ले रहे हैं चाहे नहीं ले रहे हैं, किसी को अगर कोई भी सिम्टम है, सर्दी है, खांसी है, वो भी कोई भी इंसान यहाँ पे अपना टेस्ट करवा सकता है। बस 8 तारीख तक अपनी रजिस्ट्रेशन, जो आशा वर्कर आपके एरिया की हैं वहां पे जाके अपना नाम पता वो सब लिखवाएं, फिर 9 तारीख को जब टीम आएगी हमारी तो हम सबके टेस्ट करवा देंगे। अच्छा मैम, इसकी रिपोर्ट फिर कब मिलेगी इनको, जिनके टेस्ट होंगे उनको? रिपोर्ट आने में 1 या 2 दिन लग जाते हैं, तो 2 दिन तक पता चल जाता है, 2 दिन के अंदर कि कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है। अच्छा, तो ये इसकी जानकारी फोन के थ्रू मैसेज आ जाएगा उनको, जो भी टेस्ट करवाएंगे उनको? या जो पॉजिटिव होते हैं उनको कॉन्टेक्ट कर लिया जाता है विभाग की तरफ से, तो बता दिया जाता है कि कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है। अच्छा, जैसे कोई पॉजिटिव आता है तो उसके लिए क्या है मैम, इलेक्शन में कुछ उसके लिए प्रतिबंध रहेगा या ऐसा कुछ गाइडलाइन आई है अभी? अभी तो फिलहाल मेरे पास उसकी कोई जानकारी नहीं है, जैसे ही आएगी मैं आपको बता दूंगी। अच्छा ठीक है मैम, थैंक यू।